जड़ेश भेद और जड़ जीव भेद में पहला अनुमान दे रहा है, ब्रह्मा जीववा अनात्म प्रतियोगि धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवान पदार्थत्वात् घटवत्। ब्रह्म अथवा जीव किसको भी पक्ष में रख लो, जब ब्रह्म से जड़ का भेद बताना होगा पक्ष ब्रह्म हो जाएगा, और जीव से जगत का जड़ का भेद बताना होगा तो पक्ष जीव होगा। इसे ब्रह्म जीव वा अनात्म प्रतियोगि धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवान। अनात्मा हमने घटा दी, प्रतियोगिक धर्मिक ज्ञान हो जाएगा आत्मा का ज्ञान, चाहे ब्रह्म रूपी आत्मा चाहे जीव रूपी आत्मा ज्ञान, उस पर अबाध्य भेद हो जाएगा जगत भेद, उसका तद्वान ब्रह्म हो जाएगा जीव, या तद्वत पुलिंग नपुंसकलिंग का होगा तो ब्रह्म हो जाएगा। अबाध्य भेद धर्मिक ज्ञान मैंने आत्मज्ञान के द्वारा अबाध्य जो भेद है उसका आश्रय ब्रह्म हो जाएगा और जीव हो जाएगा। न घटभेद पटभेद आदि अबाध्य भेद है। पदार्थत्वात् पहला हेतु है पदार्थत्वात्, ये पदार्थ है, घटादि भी पदार्थ हैं, ब्रह्म भी पदार्थ, जीव भी पदार्थ तो रहेगा। दृष्टांत घटवत्, अब यहाँ पर क्या पक्ष में घटाते वक्त तो आपने ले लिया अनात्मा से घटा प्रतियोगिक धर्मी ज्ञान से ब्रह्म या जीव ज्ञान, उसमें अबाध्य भेद घटभेद या पटभेद आदि का तादृश वाला जीव ब्रह्म होता है। दृष्टांत में कैसे घटा हो गए, अनात्म के घटा दी तद प्रतियोगिक धर्मी ज्ञान, आप कह पटक ज्ञान, उसके ज्ञान के द्वारा अबाध्य भेद कौन हो जाएगा, पटभेद वाला घट हो जाएगा, दृष्टांत में चला जाएगा। ब्रह्म जीवो वा घट प्रतियोगिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवान, घट असंबंधी काल संबंधित्वात् तद असंबंधी देश संबंधित्वात् तद जनक अजन्यत्वाद्वा पटवत्। दूसरा अनुमान करता है ब्रह्म जीव वा घट प्रतियोग, वह अनात्म के सामान्य ले लिया था, वह अनुगत नहीं बनता, अनुगत प्रतियोगिक भेद तो है नहीं, अनात्म में से क्या है सैकड़ों अनाथ लाखों करोड़ों भी है, ठिकाने नहीं कितने हैं, उन तक सकल प्रतियोगिक कहाँ से लाऊंगा मैं, इतना तो होगा ही नहीं किसी को ज्ञान। अतएव उसने विशेष पहुंचा दिया घटक प्रतियोगि धर्मिक ज्ञान हो गया आत्मज्ञान, उसने अबाध्य भेद हो जाए घटभेद, तारस घटभेद वाला ब्रह्म ईश्वर हो जाएगा पक्ष में। दृष्टांत जब घटाऊंगा घटक प्रतियोगि धर्मिक ज्ञान हो जाएगा पट ज्ञान, उसने अबाध्य भेद हो जाएगा पटभेद, तद भेद वाला हो जाएगा घट, इस प्रकार दृष्टांत बन जाएंगे। घट असंबंधी काल संबंधित बात पहला हेतु दे रहे हैं कि घट असंबंधी काल का संबंधी होने से, कि घटोत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म है, घटोत्पत्ति के विनाश के बाद भी ब्रह्म है, घटोत्पत्ति से पहले भी जीव है, घटोत्विनाश के बाद भी जीव रहता है, इसलिए जीव जो है घट के असंबंधी काल माने उत्पत्ति से पहले विनाशोत्तर यह असंबंधी काल, घट के असंबंधी काल, घट संबंधी काल कौन सा है, उत्पत्ति से विनाश पर्यंत जो काल है वो घट संबंधी काल है, उसके पूर्वोत्तर कालीन जो काल होगा वो घट असंबंधी काल है, उस काल के साथ भी संबंधित्व है आपके ईश्वर में भी और आत्मा में भी, एवं पट में भी चला जाएगा, पट नष्ट भी हो जाए उत्पन्न हो जाए कुछ भी हो जाए पट तो रहेगा ना, घट का होने ना होने से पट का कोई लेन देन नहीं, इसे घट के असंबंधी काल में भी संबंधित्व निवृत्त रहेगा पट, दृष्टांत में भी चला गया हेतु। तद असंबंधित देश संबंधित्वात् अथवा घट के असंबंधी जो देश तत्संबंधी है ब्रह्म और ईश्वर, जैसे घट के असंबंधी देश हो जाएगा पट देश, तत्संबंधी हो जाएगा पट, दृष्टांत में घट जाएगा हेतु। अतः जनक अजन्यत्वात् घट के जो जनक है कपाल आदि उससे अजन्य है जीव और ब्रह्म, दृष्टांत में भी इसी प्रकार से घट के जनक कौन है कपाल आदि उससे अजन्य है पट, जैसे तज जनक के अजन्यत्व हेतु दृष्टांत और पक्ष दोनों में सह बैठ रहा है, इसलिए व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा अनुमान बन जाएगा। तीसरा अनुमान करता है ब्रह्म जीव वा जड़ प्रतियोगिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवान, जड़त्व चिन्ह सकल जड़ों का प्रतियोगिक जो धर्मिक ज्ञान आत्मज्ञान उसका अबाध्य भेद हो जाएगा जड़ भेद, तर जड़ भेद वाला जीव और ब्रह्म हो जाएगा। और दृष्टांत में घटाओ तो क्या करेगा, इसलिए वो ये देवम तदेवम यथा दूरस्थ वनस्पत्योर एक इतना दृष्टांत लेना इत्यादि में अब दोष देगा सिद्धांत यहाँ से, जो जड़ अनात्मकत्वात् हेतु दिया, जो जड़ात्मक नहीं होता वह जड़ प्रतिधर्मिक ज्ञान अबाध्य भेद वाला होता है, यत्र जड़ अनात्मकत्वम जहाँ जहाँ जड़ अनात्मकत्व है वहाँ वहाँ पर
जड़ प्रत्ययिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवत्व है। यदेवं तदेवं यथा दृष्टांत दिया ब्रह्मस्थल दूरस्थ वनस्पति और एक ज्ञानम। दूरस्थ वनस्पतियों में जो एकत्व ज्ञान है वह जड़ अनात्मक है, ज्ञान को जड़ नहीं मानता कोई भी, जड़ अनात्मकत्व हेतु उस ज्ञान में चला गया। और वहां पर क्या है, जड़ प्रतियोगी धर्मिक ज्ञान अबाध्य भेद वाला है वो। जड़ प्रतियोगी को धर्मी भेद से आत्मज्ञान कोई भी ले लो उसका अबाध्य भेद कौन हो जाएगा, वृक्ष भेद तद्वान है वो, क्योंकि दोनों में भ्रम जो एकत्व ज्ञान हो रहा है दोनों पर सब भेद तो ही है, भेदवत्व उसमें चला जाएगा। तब सिद्धांति कहता है इत्यादिशु अनुमानेशु पूर्वोक्त दोष अनतिवृत्त है, क्योंकि सभी अनुमानों में धर्मी शब्द प्रयोग कर दिया आपने, साध्य प्रसिद्धि दोष अनुगतता दोष पहले जैसे ही रहेगा, उस आप निवृत्त नहीं हो पाए उन शब्दों को प्रयोग करके, कि धर्मी में विकल्प उठाएंगे ना, विकल्प उठा करके खंडन किया है वो भी सब यहाँ पर आएगा एक बात। दूसरी बात उपाय दोष भी है, पाला वाला में परिच्छिन्नत्व, दूसरे वाले में जड़त्व, तीसरे वाले में जन्यत्व से च उपाधित्वात्। इनके वहाँ परिच्छिन्नत्व कैसा है, साध्य व्यापकत्व मिलेगा दृष्टांत में, साध्य है अनात्म प्रतियोगी धर्मिक ज्ञान अबाध्य भेद वाला, ये आपने घट में लिया था और उसी घट में परिच्छिन्नत्व भी है, और जीव और ईश्वर में परिच्छिन्नत्व नहीं है, हेतु आपका गया पदार्थत्व और वहाँ उपाधि निरा, साधन का व्यापकत्व पक्ष में साध्य व्यापक दृष्टांत में घट जाता है। अतः परिच्छिन्नत्व उपाधि है पहला अनुमान में, दूसरे अनुमान में जड़त्व को उपाधि कर दिया कि यह तरह घट प्रतियोगी धर्मिक ज्ञान अबाध्य भेदवत्व है, तर तर जड़त्व रहेगा आपके दृष्टांत पट में घट रहा है, और जड़त्व ब्रह्म जीव में नहीं है किंतु वहाँ आपका हेतु तद जनक अजन्यत्वात जा रहा है, घट के अजनक घट के जो जनक हैं उनसे अजन्य है ब्रह्म और ईश्वर, वहाँ आपका साध्य हेतु है किंतु उपाधि वहाँ नहीं है, साधना व्यापक हो गया। एवं तीसरे हेतु पर उपाधि दे रहे हैं यहाँ जन्यत्वस्य उपायित्वात्। तीसरा हेतु क्या था, जड़ अनात्मकत्वम, यत्र यत्र जड़ अनात्मकत्वम तरतर जन्यत्वम, ये जाएगा नहीं जाएगा ब्रह्म और जीव में, जन्यत्व नहीं है ना वहाँ ब्रह्म में, से साधन का व्यापकत्व आ गया और साधिक व्यापकत्व आपका दृष्टांत में जाएगा। जड़ प्रत्ययिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवत्व वो इत्यादि जो किया आपने दूरस्थ वनस्पति और एक, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका जड़त्व भी है, वहाँ आपका जड़त्व भी है और साध्य भी है। अच्छा साध्य व्यवस्था साधना व्यापकत्व रूपा जो उपाधि के लक्षण इन तीनों में घटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात कहते हैं अप्रयोजकत्व, अनुकूल तर्क के अभाव के कारण से आपके अनुमान तीनों के तीनों अप्रयोजक भी हैं। अर्थात हम विचार शंका करें पदार्थ तमस्तु अनात्म प्रतियोगिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवत्व मास्तु, या हम कहें ये तीनों हेतु आपने जो लिया घट संबंधित काल संबंधित्वात् तदा संबंधित देश संबंधित्वात् त जनक जनित्वाद अस्तु, हेतु रहे वहाँ किंतु हम कहें घट प्रतियोगी धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवत्व मास्तु, ऐसे विचार की हम आशंका करेंगे। तीसरे में भी जड़ अनात्मकत्व मस्तु, जड़ प्रतियोगी धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवत्व मास्तु, ऐसे विचार आशंका करें उसे भी घटक कोई आपके पास अनुकूल तर्क नहीं है, क्योंकि इनमें कोई कार्य कारण भाव परस्पर न होने के नाते आप अनुकूल तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, परस्पर विरुद्ध हो या कार्य कारण भाव हो ऐसे स्थल में आप अनुकूल तर्क प्रस्तुत कर सकते, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा विपरीत हो जाएगा। अनुकूल तर्क का भावात कदे आप प्रयोजकत्व, इतना ही आपके तीनों ही अनुमान अनुमान आभासत्व साम्य है, कैसे जीवो ब्रह्मवा आत्म प्रतियोगी को तादृक भेदाधिकरणम, ऐसा बना सकता हूँ जीव या ब्रह्म कैसा है, आत्म प्रतियोगी को धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद वाला है, कि हम क्या कहेंगे जीव शब्द से वहाँ चैत्र को ले लो विशेष अधिष्ठा हेत साथ घटाओगे, आत्म शब्द से मैत्री आत्मा, मैत्री आत्म प्रतियोगिक धर्मी ज्ञान हो जाए कौन आपका चैत्र ज्ञान, उस अबाध्य भेद हो जाएगा मैत्र भेद, तारस मैत्र भेद वाला जीवात्म पक्ष चैत्र में चला जाएगा, और ब्रह्म तो आसान से जाएगा आत्म से जीवात्मा ले लो तत्प्रति धर्मी भेद हो जाए धर्मी हो जाएगा आपका ब्रह्म, तारस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अबाध्य भेद हो जाएगा
जीवभेद, जीवभेद वाला ब्रह्मा हो जाएगा। इस तरह से ये आभास सामी तुम्हारा अनुमान हो रहा है। ये तो क्या दे रहे हम, उन्हीं को ले लो, पदार्थ तत्व इत्यादि आभास साम्य च इत्यादि आभास के साम्य तुम्हारे तीनों अनुमान हैं। तब पूर्वपक्ष कहता है न च घटा भेदे, यदि आपके अनुसार चलें फिर घट को ब्रह्म से अभिन्न मानना पड़ेगा। जीव का जगत के साथ भेद नहीं है, ईश्वर का जगत के साथ भेद नहीं, ये आपका कहना है, अभेद कहना चाहते हो। यदि घट के अभेद यदि ब्रह्म के साथ मान लोगे, यदि घट सिद्ध हुआ तो उससे ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। घट का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्म के साक्षात्कार मानना पड़ेगा, क्योंकि घट से अभिन्न है ब्रह्म। फिर तो घट ज्ञान होते मोक्ष हो जाना चाहिए आदमी को। कहते कि देखो घटा भेदे घट सिद्धि सिद्धिया वेदांत व्यर्थ्यम, घट सिद्धि से ही वह सब ब्रह्म की भी सिद्धि हो जाएगी, तो वेदांत पढ़ना ही बेकार है। घट को देगा आपने इतने से ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, घट से भिन्न ब्रह्म। ब्रह्मणो जड़त्व नित्यत्व अध्यापति स्यात्, हर घट जड़ है और अनित्य है, उसे भिन्न ब्रह्म भी इसलिए क्या हो जाएगा, जड़ और अनित्य होने लग जाएगा, यह आपत्ति भी है। मुक्ति सामानाधिकरण्य बंधाधार से जीवस्य जड़वत निवृत्ति आपत्ति स्यात्, तीसरे एक और दोष देता है। मुक्ति सामानाधिकरण बंधाधार से जीवस्य, मुक्ति का सामानाधिकरण आप मानते क्या जीव को, और जीव की भी जड़ के समान निवृत्ति होने लगी, जीवस्य जड़वत निवृत्ति आपत्ति स्यात्, उसका भी नाश मानना पड़ जाएगा। आमीन कर दिया, मोक्ष किसको होगा फिर, जीव तो नष्ट हो गया। ये मिथ्यावत घट की निवृत्ति हो गई तो तथा भिन्न जीव भी मिथ्या होकर वो भी निवृत्त हो जाएगा, फिर कहाँ से जीव का मोक्ष होना है। इतना ही नहीं, एक और दोष, गौरोहम इत्यादि प्रतीतिश्च प्रमा स्यात्, और गौरोहम इत्यादि जो प्रतीतियाँ हैं वे प्रमा रूप हो जाएंगे। ये जो जीव है इस अभिन्न है वो ईश्वर, जड़ से अभिन्न कर दिया, शरीर से भी अभिन्न हो गया, शरीर गौर है, उसे गौरवम कहते हैं, तो ब्रह्म को ही गौरवम कहना हो जाएगा, वही प्रमा हो जाएगा फिर। इत्यादि विपक्ष बाधकात् न आभास साम्यादिकम, इस तरह से अनेकों हमारे पास विपक्ष बाधक तर्क विद्यमान है, इसलिए आप आभास साम्यता आदि दोष नहीं दे सकते हैं। आदि कह दिया मैंने, उपाधि भी नहीं दे सकते, प्रोजेक्ट दे नहीं सकते, साध्य प्रसिद्धि कोई भी दोष आप नहीं दे सकते। इति न च वाच्यम, तो सिद्धांत के सम्मत कहो भाई। पहला है कि वेदांत व्यर्थता दोष बार बार तुम कहते हो, हम बार बार कह चुके हैं, वेदांत व्यर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि स्वप्रकाशत्व स्वरूप प्रत्यय विद्यत्व च ब्रह्म सिद्धो अपि, यदि भी ब्रह्म क्या है, स्वप्रकाश है, प्रतिबोधितम पीतम मतम, प्रत्येक प्रत्येक के साथ उसका साक्षात्कार भी हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्म सिद्धवपि सविलास अज्ञान निवर्तक ज्ञानाय, कार्य सहित अज्ञान का निवर्तक निवर्तक जो ज्ञान, उस ज्ञानोत्पत्ति के लिए वेदांत सफल से बहुधा अभिधानात, वेदांत सफल होता है ऐसा हम बहुत प्रकार से पूर्व कह चुके हैं। घटा दो कल्पित व्यक्त्यंतरेण अकल्पित भेद से अभावे अपि न यथा कल्पित व्यक्त्यात्मकत्वम तद्वत प्रातिभाषिकत्वम तद्वत विशेष दर्शनेन निवृत्तिर्वा कल्पित व्यक्त्यंतरेण ऐक्य ज्ञान प्रभात्वम वा तथा प्रकृति भी कल्पित जड़ेन तद अभावे अपि न तदात्मकात्मक न तदात्मकत्वादिति न विपक्षवादक से अप्य प्रसर। हमारे जो विपक्षवाद तर्क तुम कर रहे हो, तुम्हारा वो तर्क टिकता नहीं है। कैसे, जैसे देख लो घट में एक घट है, उसमें अनेक घट की किसने कल्पना कर दी, घटादो कल्पित व्यक्त्यंतरेण, घटादि कल्पित घड़ा, अनेक कल्पित घड़ाओं को मान लिया, या पटादि को उसमें कल्पना कर लिया, किसी चीज़ को भी उसमें कल्पना कर लेने मात्र से कल्पित भेदस्य कल्पित व्यक्त्यंतर के साथ उस घट का कोई कल्पित भेद मानते हो क्या, घट में पट की कल्पना की, एक घट में दूसरे घट की कल्पना कर ली, क्या उस दूसरे घट का उस वास्तविक घट के साथ कोई भेद मानते हो, नहीं मानते। यदि मानो एक समस्या खड़ा हो जाएगा, स्वप्न भी आपका कल्पित है, वो भी वास्तविक भेद वाला हो जाएगा, इसे आपको कहना पड़ता है कल्पित का अकल्पित के साथ भेद नहीं होता। जैसा भेद नहीं होता है उसी प्रकार से वह घट कल्पित भी नहीं हो जाता, कल्पित हो जाएगा घट, कल्पित घट
के साथ वह घट जिसमें आपने अधिष्ठान भूत आधार भूत घट जिसमें कल्पना किया उसके साथ आपने कहा भेद नहीं है, मैंने अभेद है। उस कल्पित घट का अकल्पित घट के साथ अभेद होने मात्र से क्या वह अकल्पित घट सत्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। का तीसरे देखो कि घटादो कल्पित व्यक्त्यंतरेण कल्पित भेद से भावे, घटादियों में कल्पित व्यक्त्यंतर के साथ कल्पित भेद न होने पर भी, कल्पित भेद भी आपने नहीं माना, कल्पित भेद भी नहीं क्योंकि वो कल्पित है, कल्पित का अकल्पित के साथ कल्पित भेद भी नहीं होता। जब ये मान ले रहे हैं यथा न कल्पित व्यक्त्यात्मगत, इसे वो जो घट है जिसमें आपने कल्पना की वो कल्पित व्यक्ति रूप हो जाएगा क्या? वो भी कल्पित हो जाएगा क्या? इसे जीव और ब्रह्म जगत की कल्पना हुआ, वो कल्पित जगत का भेद न होने पर आपके कहने ये भी जड़ हो जाएगा अभेद होने से। घट क्या है? कल्पित था। आपने ऐसे शुरू किया ना, ब्रह्म और घट अभिन्न है। अगर घट में रहने वाला जड़त्व आदि सारी चीजें ब्रह्म में आ जाएगा और घट सिद्धि से ब्रह्म सिद्धि हो जाएगी। ये तब होता यदि कल्पित अकल्पित को भी कल्पित कर दे। भाई कल्पित को हमने अकल्पित के साथ अभेद कहा, उतने मात्र से कल्पित अकल्पित नहीं हो जाता या अकल्पित भी कल्पित नहीं हो जाता अभेद कहने मात्र से। वही कहते हैं कल्पित व्यक्त्यात्मकत्वम न, कल्पित व्यक्त्यात्म को नहीं हो जाएगा। आधार है जो अधिष्ठान है जिसमें कल्पना किया वह अभी कल्पित नहीं हो जाता, भले भेद नहीं है अभेद कहने मात्र से वह अकल्पित भी कल्पित नहीं हो जाता। तद्वत प्रातिभाषिकत्व हुआ और तद्वत प्रातिभाषिक भी नहीं होता, कल्पित भी नहीं हुआ और उस कल्पित है जैसा प्रातिभाषिक है वैसे वह अधिष्ठान भी प्रातिभाषिक नहीं हो जाता। तीसरा तद्वत विशेष दर्शन निवृत्तिर्वा और विशेष दर्शन हुआ, मान लो रजत का जो है भ्रम हुआ तो शुक्ति में, ये शुक्ति का दर्शन होने से आप रजत की निवृत्ति होती है ये तो ठीक है, लेकिन मान लो रजत भ्रांति हुई थी बाद में रजत कहीं अन्यत्र दर्शन हो गया विशेष दर्शन होने से, क्या शुक्ति की निवृत्ति हो जाएगी? आपने घट की कल्पना किया ब्रह्म में लेकिन अचानक उसके बाद घट में घट का आपको साक्षात्कार हो गया, कहीं घट प्रत्यक्ष हुआ, क्या उस घट प्रत्यक्ष से यह ब्रह्म रूप अधिष्ठान की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं यथा न, न को जोड़ना है यहाँ पर, यथा न प्रातिभाषिकत्व तद्वत और तद्वत विशेष दर्शन निवृत्तिर्वा न, न सबके जोड़ेगा। इतना ही नहीं कल्पित व्यक्त्यंतरेण ऐक ज्ञान प्रमात्वम वा न, और कल्पित व्यक्त्यंतर का ऐक ज्ञान से प्रमात्व भी उसमें नहीं आ जाएगा, उस ऐक ज्ञान में प्रमात्व नहीं आएगा क्योंकि वो भ्रम तो भ्रम ही रहेगा कि वनस्पति और एकत्व अपने कहा दृष्टांत, वनस्पतियों के जो एकत्व है वह ज्ञान कभी प्रमा नहीं होता अभेद होने मात्र से, क्योंकि जो अधिष्ठान होता है वह प्रमात्मक है उसका विषय ज्ञान भी प्रमा है। अति उतने मात्र से उस अभिन्न हमने कह दिया कल्पित को तो कल्पित भी प्रमा नहीं हो जाता। तथा ठीक उसी और आप अपने इसमें घटाओ प्रकृति भी कल्पित जड़े न तद अभावे भी, कल्पित जड़ के साथ तद मैंने भेदाभावे भी, कल्पित जड़ के साथ ब्रह्म और जीव का भेद का अभाव होने पर भी अर्थात अभेद मान लेने पर भी वह जड़ नहीं हो जाएगा, ब्रह्म या जीव जड़ नहीं हो जाएगा। तदात्मकत्वादि न, न तदात्मकत्वादि, इसलिए तदात्मक आदि कहने से वो भी ले लेना, इसलिए वो जड़ात्मक नहीं होगा प्रातिभाषिक नहीं होगा और जड़ के विशेष दर्शन से उसकी निवृत्ति नहीं होगी और कल्पित व्यक्तिंतर के साथ ऐक्य ज्ञान का प्रमात्व नहीं होगा, चारों चीज का निषेध आदि से। अतएव विपक्ष बाधकस्यापि न अप्रसर है थी न, इसलिए विपक्ष बाधक तर्क तो मेरे पास है ऐसे तुम नहीं कर सकते, उसकी प्रसर के अवसर ही नहीं रह गया। एवं जड़ानाम अन्योन्य भेद अपि नानुमानम, इसी प्रकार से जड़ों का परस्पर भेद के प्रति भी कोई अनुमान आप नहीं दे सकते। इस जीवे जीव जड़ का भेद खंडन हुआ, इस जड़ का भेद खंडन हो गया, अब कह रहे हैं जड़ों का परस्पर भेद उसको भी खंडन करना है, ये भी नहीं हो सकता। इससे पहले जीव ईश्वर भेद कर दिया था, जीव और ईश्वर का परस्पर भेद करा दिया था और जीवों का परस्पर भेद ले लिया था, दो हो गए थे,
अब जीव जड़ का और ईश्वर जड़ का, ये दो हो गया चार, अब अंत में रह गया जड़ों का परस्पर भेद पांचवा, इसका भी खंडन करते हैं। उससे पहले क्या किए थे, सामान्यतः भेद मात्र का खंडन और विशेषता भेद मात्र का खंडन लिया था, पहले दो ज्ञात विचार, उसके बाद ये विचार चले हैं। उसके लिए कहते नहीं हमारे पास अनुमान है, आप कैसे कह दिए, जड़ों का अन्योन्य भेद में हम कोई अनुमान नहीं कर सकते, ऐसा आपने कैसे कह दिया, हमारे पास अनुमान है, घट तत्व शुक्त भिन्नो न, घट कैसा है, तत्वतः शुक्ति से अभिन्न नहीं है, माने भिन्न है, वास्तविक भेद है, क्यों, शुक्ति संबंध काल असंबंधित्वात्, शुक्ति संबद्ध काल से असंबंधी है वो घट, तजनक अजन्यत्वात्, दूसरा हेतु अथवा घट के जनक से अजन्य है शुक्ति, तत्र आरोपित रूप्यवत्, दृष्टांत दिया ये शुक्ति में आरोपित रजत के समान, शुक्ति में आरोपित रजत, जैसे रजत और शुक्ति अभिन्न, उनका कहना है भिन्न है, इसे उनके मत तो भिन्न रहेगा, इसे भेद के लिए दृष्टांत उसने लिया। व्यावहारिक भेद से त्वयाप्यंगीकारेण न पक्ष दृष्टान्त्यादिपत्ति, व्यावहारिक भेद को आपके द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है, इसे पक्ष और दृष्टांत आदि की अनुपत्ति दोष भी नहीं दे सकते, अन्यथा भेद सिद्धि असिद्ध्योर दोष तदभावयोश्चा भेदेन स्वक्रिया विरोध स्यादिति, नहीं तो क्या होगा, भेद सिद्धि असिद्ध्यो, भेद की सिद्धि को लेकर दोष और भेद की असिद्धि लेकर गुण, तदभावयो दोष तदभावयो, ये आपका मानना, अभेद के साथ जो आपने स्व प्रक्रिया अपनाया उसके साथ विरोध हो जाएगा, ये बनेगा नहीं, कहता है, अतएव स्वीकार करना चाहिए हमारे इस अनुमान को और जड़ों का परस्पर भेद मान लेना चाहिए। व्यावहारिक भेद के न मानने पर भेद की सिद्धि और असिद्धि का अभेद के साथ और दोष और दोषाभाव का भी अभेद के साथ में जो आपने एक व्यवस्था दी है, व्यवस्था ही भंग हो जाएगा। भले आप व्यावहारिक व्यवस्था दे रहे हो, ये पारमार्थिक व्यावहारिक है, मान तो रहे हो ना, व्यावहारिक ही सही, जो आपने माना उसको हटना पड़ेगा, अजातवाद में पहुंच जाओगे एक तरह से, ये तो अनुचित है। जहाँ जड़ों की भेद बोलने लगा, जो प्रत्यक्ष सिद्धि पे सिद्ध है उसका अनुमान से मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इधर से आप भाग जाओ सीधे छोड़ करके अजातवाद में, ये तरीका नहीं। तब सिद्धांत कहते हम ऐसा नहीं कर रहे भाई, हम तुम्हारे अनुमान खंडन करेंगे, भाग नहीं रहे। अत्र तात्विक शुक्ति भिन्न रूप प्रत्योग्य प्रसिद्धिया साध्य प्रसिद्ध है, सबसे पहले तत्वत शुक्ति भिन्न आपने कहा ना, तत्वत विशेषण दिया आपने शुक्ति का, वही अप्रसिद्ध है, तात्विक शुक्ति का प्रसिद्ध है भाई, आपने कहा हमारे ऊपर व्यावहारिक, तो हम व्यावहारिक शुक्ति तो मान रहे हैं और व्यावहारिक भेद मान रहे हैं, पारमार्थिक शुक्ति तो आपने माना ही नहीं है, उभय मत सिद्ध कहा रहा साध्य, फिर तुम्हारा साध्य ही अप्रसिद्ध हो जाए। तात्विकत्व जो विशिष्ट आपका साध्य है वही तात्विक शुक्ति अभिन्नत्व रूप प्रतियोग्य प्रसिद्धिया, उससे अभिन्नत्व रूप प्रतियोगी अप्रसिद्ध है, शुक्त भिन्नो न, आपने कहा ना, इसे साध्यांश क्या है, अभाव तक देना पड़ेगा, तात्विक शुक्ति अवच्छिन्न शुक्ति के अभिन्नाभाव, अभिन्न न, ये साध्य आपका अभिन्न नहीं है, तात्विक शुक्ति अवच्छिन्न शुक्ति से अभिन्न नहीं है ये साध्य, अभिन्नत्व क्या हो जाएगा इसलिए प्रतियोगी, साध्याभाव की प्रसिद्धि तब होगी मैंने प्रतियोगी की प्रसिद्धि हो, क्योंकि आपने अभाव को साध्य बना दिया ना, जब अभाव को साध्य बना दिए हो तो अभाव का प्रतियोगी को प्रसिद्ध करना पड़ेगा आपको, और अभाव की प्रतियोगी जब तक प्रसिद्ध नहीं है तब तक उस अभावात्मक जो साध्य तुम्हारा उसको भी अप्रसिद्धि कहना होगा, कि अभाव का प्रतियोगी कौन है यहाँ पर, तात्विक शुक्ति अवचिन्न अवचिन्न शुभ अभिन्नत्म, अभिन्नत्म न, ये साध्य किससे अभिन्न नहीं है, तात्विक शुक्ति से अभिन्न नहीं है, तो अभिन्न नहीं है जो बोलने का प्रतियोगी कौन होगा, तात्विक शुक्ति अवचिन्न अभिन्नत्म, ये आपका प्रतियोगी है, और इस प्रतियोगी में जो विशेषणांश है आपका तात्विकत्व वही अप्रसिद्ध है, अतः पूरा साध्य अप्रसिद्ध हो गया तुम्हारा, ये सिद्धांत कहना है, साध्य प्रसिद्ध है तत्वतः इत्यस्य न इत्यत्र विशेषणत्व, और तत्व को इसी तरह न के साथ जोड़ोगे, अभिन्नत्व को न के साथ न जोड़ के
तत्वता विशेषण को न के साथ जोड़ो, तत्वता अभिन्न नहीं है, श्रुक्ति का विशेषण ही अब तत्वता। तो श्रुक्ति चाहे व्यावहारिक हो चाहे प्रातिभाषिक, कोई भी ले लो आपकी मर्जी है, और तार शुक्ति अवच्छिन्न अभिन्नत्व का तत्वता नहीं है, न तत्वता अभिन्न नहीं है घड़ा। घट जो है तात्विक शुक्ति से अभिन्न नहीं है, पहला अर्थ था, उसे आपने खंडन किया। अब वो कहते हैं घट जो है शुक्ति से तात्विक अभेद वाला नहीं है, न के साथ जोड़ दो ऐसे ही कहूंगा तो सूत्राम अप्रसिद्ध है, तो और अप्रसिद्धि हो गई कि तात्विक अभेद तुम्हारे मत में है ही नहीं, उसके अभाव कहां सिद्ध करोगे। अरे केवल अभाव में जोड़ दो तात्विक, अभिन्नत्वम तात्विकम न, शुक्ति अभिन्नत्व जो है वो तात्विक नहीं है। घट के साथ शुक्ति का अभेद आप जो बोलते हो, जड़ों का अभेद, वह तात्विक नहीं है, न के साथ सीधे जोड़ दो तात्विक, अभिन्नत्व के साथ भी नहीं। इन्हीं पक्ष है, तात्विक तो शुक्ति का विशेषण हो सकता है या अभिन्नत्व का विशेषण हो सकता है, न का विशेषण हो सकता है। शुक्ति अभिन्नम न बोल रहे हो, इन तीन में से किसी का विशेषण बनाओ, तीनों में साध्य प्रसिद्धि रहेगा कि तात्विक शुक्ति उभय मत सम्मत नहीं है। अगर शुक्ति से तात्विक अभिन्नत्व कहोगे हमारे मत में सम्मत है, आपके मत में असम्मत हो जाएगा। अगर शुक्ति अभिन्नत्वम तात्विकम न, शुक्ति के साथ अभेद जो हुआ है वो तात्विक न भ्रम है, वो ये आप कहना चाहोगे तो भी आपके मत में अप्रसिद्ध है, क्योंकि तात्विक अभाव आप ग्रहण करते ही नहीं, कहीं भी किसी भी चीज के तात्विक अभाव ग्रहण नहीं होता। इसीलिए क्यों सर्वम तात्विक मन किया, सब कुछ सत्य है, अभाव कहाँ मिलेगा तात्विक उसको। इसलिए तुम्हारे इस मत के अनुसार सूत्राम अप्रसिद्ध और घटादि समसत्ता का भेद मात्रेण हेतु, यदि कहोगे और घटादि समसत्ता का भेद सामान्य को लेकर हम हेतु बना देंगे, हेतु रूपत्या अप्रयोजकत्व सिद्धांत कहता है, हम घटादि समसत्ता का भेद मात्र को हेतु बना देंगे, तजनक अजन्यत्वात् तत्र आरोपित रूपवत्, ये दृष्टांत दिया था इस अनुमान में, तजनक अजन्यत्वात् ये कहा, हम कहते घटादि समसत्ता का भेद मात्र को लेकर के भी हम हेतु घटा सकते हैं। घटादि समसत्ता का भेद ले लो, उसको लेकर के पक्ष में आ जाएगा घटादि, कोई आपत्ति तो है नहीं। चाहे अतएव तुम्हारा वर्तमान है तो तजन का जन्यत्वाद ये कैसा हो जाएगा, अप्रयोजक हो जाएगा। मैंने इस हेतु के विचार शंका करो उसे विघटक तर्क नहीं रहेगा, और जो मैं हेतु प्रसिद्ध करूँ घटा समसत्ता के भेदवत्तम यह आपका अनुसार से घट जाएगा। भेद से तात्विकत्व बाध से उक्तत्व न बाधाच, और भेद को तात्विक मानना चाहो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पूर्व में ही बाध कर चुका हूँ। भेद से तात्विकत्व बाद से उक्तत्व न बाध दोष हम पूरे प्रस्तुत कर चुका हूँ, इसलिए बाद दोषग्रस्त भी आपका अनुमान है। या समान सत्ता से हम व्यावहारिक ले लेंगे, व्यावहारिक सत्ता को लेकर के घटाएंगे, घट का व्यावहारिक सत्ता निर्मित भेद पट में है ही है, जड़ों का परस्पर व्यावहारिक सत्ता को लेकर हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तात्विक भेद नहीं हो सकता। आप स्वयं तात्विकम न कह रहे हो, अभिन्नत्वम तात्विकम न कह रहे हो, हम कहते भेद भिन्नत्वम तात्विकम, उसके साथ ही अभाव सिद्ध करूंगा, सत्य प्रत्यक्ष बन जाएगा, तब वो दूसरा अनुमान खड़ा करता है। फिर अनात्मा स्ववृत्ति धर्म अनाधार ज्ञान अबाध्य, दीर्घ बनाओ इसको, अबाध्य अंतर्गणिक भेदवान पदार्थत्वात् आत्मवत्। अनात्मा कैसा है, अनात्म पदार्थ कदे अनात्म वृत्ति धर्म, स्ववृत्ति धर्म मने स्व हो गया अनात्मा, उस अनात्म वृत्ति जो धर्म क्या है वो घटत्वादि, स्व हो गया अनात्मा घटादि, तब वृत्ति धर्म हो जाएगा घटत्वादि धर्म, और घटत्वादि धर्म का अनाधारभूता वस्तु हो जाएगा आत्मा, घटत्वादि का अनाधारभूत वस्तु आत्मा, उस आत्मा के ज्ञान के द्वारा अबाध्य, अबाध्य है आंतर्गणिक भेद, जड़ों का परस्पर भेद वो आंतर्गणिक भेद बोलते, घटगणे पटगणे मटगणे अनेक है समूह, गण समूह, घट समूह का पट समूह के साथ भेद, आंतरगणिक भेद वाला हो जाएगा। क्यों, पदार्थत्वाद आत्मवत, पदार्थ आत्म के समान। लेकिन क्या समस्या क्या होगी, दृष्टांत में अलग ढंग से घटाना पड़ेगा, दृष्टांत में घटेगा नहीं, यदि आप स्व अनात्मा लोगे
तल का धर्म हो जाए घटत्ता है अनात्मत्व धर्म है कि नहीं, उसका अनादर हो जाएगा आत्मा, उस आत्मा का भेद वाला आत्मा में हम नहीं घटा पाओगे, स्व में स्व का भेद नहीं होता। इसलिए जब दृष्टांत में घटाएंगे स्व से आपको आत्मा लेना पड़ेगा, और पक्ष में घटाओगे तब वहां जो अनात्म होता घटादियों को लेने पड़ेंगे। अतएव तुम्हारा साध्य पक्ष में अलग तरह का हो गया, दृष्टांत में अलग तरह का हो गया कि स्व से आपको दृष्टांत में घटाने के लिए आत्मा लेना पड़ रहा है। आत्मवृत्ति धर्म हो जाएगा आत्मत्व, उसका अनादर हो जाएगा घटादि, तत्प्रत्येक भेद वाला आत्मा होगा, और पक्ष में घटाऊंगा अनात्म स्व से अनात्मा लेनी पड़ेगी, तद्वृत्ति अनात्मत्वादी उसका अनादर भूत तत्व आत्मा, तत्प्रति भेद वाला घटादि। स्व शब्द एक अनुगतार्थ बोधक नहीं रह गया आपके दृष्टांत में, इसी अनुमान के अंदर दृष्टांत पक्ष में अलग अलग ढंग से लेना पड़ रहा है। पहला दोष वही है पदार्थ तत्व विपक्षे च, अभी सिद्धांत बोले के बाद में इनसे पहले एक और बात कह रहा है, विपक्षे च दूरस्थ वनस्पत्यो शुक्ति रूपयोश्च अभेद ग्राही प्रत्यक्षम तत्वादिकम स्यात्। यदि हमारे इस अनुमान को नहीं मानोगे, भेद को नहीं मानोगे, तो पूर्व पक्ष कहता है विपक्षे, मैंने हमारे इस अनुमान को स्वीकार नहीं करोगे, मैंने जड़ों के प्रसव स्वीकार नहीं करोगे, तो दूरस्थ वनस्पतियों में जो शुक्ति और रूपियों में जो ज्ञान है वो भ्रम नहीं रह जाएगा। ये आपने भेद नहीं माना तो दूरस्थ दोनों पेड़ क्या है, अभेद है, अभेद हो गया ना, और अभेद उसकी जो एकत्व ज्ञान हो रहा है वो एकत्व ज्ञान क्या हो जाएगा, फिर भ्रम हो जाएगा। तो शुक्ति और रूप्य इनको भी प्रसव भेद नहीं मानते हो, जड़ों के प्रसव भेद नहीं है, अभेद हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, एक ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा, भ्रम नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जड़ों का परस्पर भेद तो मानना ही पड़ेगा। प्रत्यक्षम तत्वाधिकम से प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह भी तत्व का आवेदक ज्ञान हो जाएगा। मुक्ति संसार आदि सांकर्य सियात, मुक्ति संसार आदि का सांकर्य भी हो जाएगा, मुक्ति संसार आदि सांकर्य इत्यादि बाधकम, ये हमारे पास विपक्ष बाधक तर्क भी इस अनुमान में है। अब इस अनुमान को इसलिए खंडन नहीं कर सकोगे, इजतन न ऐसे नहीं कहना, एकत्र घटे कल्पिता ये अनेका घटा तेज स्ववृत्ति धर्म अनाद अनधिकरण घटक ज्ञान बाध्य भेदवत्सु व्यभिचारा। सबसे पहले तो व्यभिचार दोष है भाई, अलग अलग दोष देंगे, पहले व्यभिचार दोष दे रहे बाद में दोष देंगे जो हमने बताया था। पहला दोष व्यभिचार कैसे है, आपने कहा स्ववृत्ति धर्म अनाधार ज्ञान अबाध्य आंतरगणिक भेदवान, यह आपका साध्य था, और स्व से आप ले रहे थे अनात्मता घट को, उसमें वृत्ति जो धर्म हो जाएगा घटत, उसका अनाधार शब्द हम क्या लेंगे, कल्पित घटों को, आप क्या ले रहे थे घट को लिया, उसका अनाधार रहने वाला धर्म घटत, उसका अनाधार शब्द आत्मा ले रहे थे, और आत्मा लेकर के तत् प्रतियोगी भेद वाला घट है इसे कर रहे थे। इन आप अब नहीं कर सकते, हम यूं लेंगे ना, घट रूपी एक वस्तु को लिया आपने, तदवृत्ति धर्म हो जाएगा घटत्व धर्म, उसका अनाधारभूत वस्तु हम ले लेंगे कल्पित घट को, तो कल्पित घट के भेद वाला घट है क्या, नहीं हो सकता, इसे अभावाधिकरण मिल गया हमको, साध्यभावाधिकरण में आपके हित पदार्थ तो चला गया, वे विचार हो जाएगा एक बात। दूसरी बात, यत्किंचित स्ववृत्ति धर्म अनाधारोक्त, यदि आप यत्किंचित स्ववृत्ति धर्म के अनाधार कहो तो घटत्व अधिकरण पठक ज्ञान को लेकर के भी अबाध्य भेद भेदेन आत्मज्ञान बाध्येन अर्थांतरम स्यात्। पट ज्ञान के द्वारा अबाध्य भेद को लेकर घट में व्यावहारिक भेद सिद्ध होगी, और आत्मज्ञान के द्वारा बाध्य होने के नाते अर्थांतर भी हो जाएगा। तीसरा दोष इतना ही नहीं, स्ववृत्ति अशेष धर्म को ले लो, घटत पटत मटत सब जितने भी हैं उन सब का अनाधारोक्त हो, तब आप पट ज्ञान वगैरह नहीं ले सकोगे ना, तब तब मत है ब्राह्मणोपि वाच्यत्वादि केवल अन्वय धर्म आधारत्व साध्य प्रसिद्ध है। तो तुम्हारे मत में क्या होगा, ब्राह्मणोपि वाच्यत्वादि केवल अन्वय धर्म आपने माना है, इसलिए सकल धर्म के अंतर क्या स्व से सकल वृत्ति सकल धर्म लो लोगे वो भी आएंगे, स्व से घटपट सारा आ गया, ब्रह्म भी आ गया, जीव भी आ गया, उसमें रहने वाले धर्म हो जाएंगे सारे धर्म आएंगे, वाच्यत्व भी आएगा, उसका अनाधार कौन है, कोई वस्तु मिलेगा ही नहीं, तो साध्य प्रसिद्धि हो गई। इसके अलावा स्ववृत्ति अशेष हो गया,
तो ब्रह्मणोपि वाच्यत्वादि केवलान्वय धर्माधारत्वेन साध्य प्रसिद्ध है। कल्पितेन सत् तात्विक भेदभावत्, कल्पित के साथ जैसे तात्विक भेद का अभाव है उसी प्रकार किसे तात्विक अभेद से आप अभाव है ना, तात्विक अभेद भी हम नहीं मानते, न तो तात्विक भेद है न तो तात्विक अभेद ही है, अभाव है ना। उदाहरण स्थले तत्वावेदकत्व सांकर्य आदि नाम अप्रसंगात, उसे जो मुक्ति संसार आदियों में जो तत्वावेदक भेदाभाव वाला होकर के वो सांकर्य दोष दे रहा था वो सांकर्य दोष भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभेद भी बोल रहे ना मुक्त और संसार को अभेद कर रहा है वो भी अभेद नहीं हो सकता, वो भी तात्विक नहीं, वो भी काल्पनिक अभेद है।